को सपोर्ट करने के लिए। और ये लोग कह रहे हैं बीजेपी को रोकने का काम एक ही पार्टी कर सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। इस वक्त दिल्ली के अंदर देखो कांग्रेस बात कर रही है भारत जोड़ो की, बीजेपी का जो एजेंडा वो लोगों के सामने आया है, लेकिन इस वक्त अगर बीजेपी को रोकने की जरूरत किसी के अंदर है वो आम आदमी पार्टी के अंदर। और खुद को बड़ा नेता समझते हैं, जब दिल्ली में मिलने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता था, 5-5 महीने एक चीफ मिनिस्टर को इनसे मिलने को लगता था, आज गली कोचों में आकर सियासत को चमचाएंगे और उम्र का तकाजा नहीं समझेंगे, लोगों को यहाँ खाएंगे तो उसके बाद पैसा नहीं देंगे और उन लुटेरों को साथ चलाएंगे जिन्होंने गरीब का खून पिया है। और शर्म आती है इन लोगों को, फलाना नेता, अरे ऐसे नेताओं को थूकते हैं लोग। और जिन लोगों के लिए आप पार्टी बना रहे हो ना, उन लोगों ने इसका दिमाग खराब कर दिया। हर नेता जो है इलेक्शन से पहले बहुत वादे करता है और उनको वादों को पूरा करने की कोशिश वो मुड़के नहीं करता है, चाहे कोई उसमें हार जाता है या कोई जीत जाता है। लेकिन फ़र्क यही है कि वो लोग जो है सियासत को जो है एक बिजनेस समझकर जब आते हैं, लोगों को धोखा देकर आते हैं, तो फिर वो लोग जो है आपको ये दिखेगा कि मैं राज मलिक अलग कर रहा हूँ। मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, उन नेताओं को भी आप देख लो जो इलेक्शन के दौरान वादे करते हैं। हमने जो वादे किए हैं उन वादों पर और उसी जज्बे के साथ आगे भी आने वाले कल में काम करने। उन्होंने कहा था हम 65,000 ये जो कैजुअल लेबर से इनको परमिट करेंगे, किया ही उन्होंने। सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, 8 साल से जूझ रहे हैं। बीजेपी कर सकती थी, नहीं कर रही थी ना। इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली, उसमें स्कैम हुआ, क्या किया इन्होंने। JKSSB को खत्म कर देना चाहिए था, नई कोई एजेंसी ले लेनी चाहिए थी या नई एजेंसी को जो है ये चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर रहे। बार बार JKSSB को दे रहे हैं, बार बार स्कैम हो रहे। गवर्नर इंतजामिया हो, बीजेपी की सरकार हो, ये लोग काम नहीं करना चाहते। लाजवाल देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम है, खास मुलाकात कराएंगे उस चेहरे से। DDC मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी के भी लीडर हैं महराज मलिक साहब, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी हमेशा खबरों में रहते हैं। और DDC मेंबर तो बहुत है जम्मू कश्मीर में, जब से DDC का सिस्टम चला था DDC तो बहुत है, लेकिन इनका काम करने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल जो है मुख्तलिफ है। ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे, हमेशा से ये चलाते भी हैं, हमेशा से ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनका जो रवैया है वो कुछ अलग सा रहता है, काम करने का लोगों का इनके पास दर्द रहता है। आखिर इनके चलाने का, इनका जो काम करने का पैटर्न है, ये जो काम करने का जो रवैया है अलग है, आखिर इससे इनके एरिया में कोई बदलाव आता है? एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात सुनती है, सरकार इनकी बात सुनती है, क्या वहाँ का माहौल है जाने की हम कोशिश करेंगे। महराज साहब आपका शुक्रिया है, बहुत आपने वक्त दिया। आपका जो पैटर्न है काम करने का वो ये बिल्कुल अलग है तमाम से। DDC तो जम्मू कश्मीर है बहुत है, लेकिन आपका जो रवैया है, आपका जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। क्या इससे आपके एरिया में कोई तब्दीली आई हुई है? क्या आप जो चलाते हैं, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है, क्या इससे एडमिनिस्ट्रेशन आपकी आवाज़ सुनती है? वहाँ तरक्की में कोई तब्दीली आई है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको साथ बताना चाहूँगा, जब से हम पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं तो हमारा एक विजन रहा है, वो जब हम इलेक्टेड नहीं थे, जब हम ऐसे ही थे, जब हम लोगों की बात करते थे, जब हम खुद एक इंसान थे, वोटर थे, तब भी हमारा एक विजन था। और जब हम इलेक्टेड हो गए, जब लोगों ने वोट कास्ट किया तो हमें बनाया गया, तो तब भी हम लोग जो दर्द हमें पहले था वही दर्द आज भी है हमें। हमारे यहाँ कोई अलग नहीं है। अलबत्ता हर नेता जो है इलेक्शन से पहले बहुत वादे करता है और उनको वादों को पूरा करने की कोशिश वो मुड़के नहीं करता है, चाहे कोई उसमें हार जाता है या कोई जीत जाता है। लेकिन फ़र्क यही है कि वो लोग जो है सियासत को जो है एक बिजनेस समझकर जब आते हैं, लोगों को धोखा देकर आते हैं, तो फिर वो लोग जो है आपको ये दिखेगा कि मैं राज मलिक अलग कर रहा हूँ। मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, उन नेताओं को भी आप देख लो जो इलेक्शन के दौरान वादे करते हैं। हमने जो वादे किए हैं उन वादों पर और उसी जज्बे के साथ आगे भी आने वाले कल में काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सोच है, हमारा एक ही काम है, हम लोगों की रहबरी करना चाहते हैं, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, हम लोगों को राहत में देखना चाहते हैं। तो यही है कि हमारे पास और कोई काम नहीं है, बस अपने शौक ख़त्म करके लोगों के शौक को पूरा करना है। उसी चीज़ को हम भी देखते हैं, जैसे लोग नेता लोग वादे करते हैं लोगों के साथ, लेकिन वादे पूरा नहीं करते। जिस तरह से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जीता,
आपने जो वादे किए थे, आपने जो लोगों को बताया था, आप क्या उसको पूरा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ दे रही है, क्या सरकार आप देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप सरकार की बात कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है सेंटर के अंदर केवल भाजपा की सरकार है और भाजपा के लोग जो शायद MLA भी रहे, मंत्रालय में भी रहे, वो भी आज यही कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, वो भी झूंझ रहे हैं काम से। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ के लोगों के अंदर तो है, उनका जो हाथ है, उनके ऊपर जो हाथ है वो सीधा सेंटर से है। तो BJP के जो नेता हैं, जो MLA रहे, मंत्री रहे, उनकी भी यहाँ सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाली महराज मलिक की बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रही, एडमिनिस्ट्रेशन महीने के अंदर 30 मीटिंगें ले रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, कोई पूछने वाला नहीं। और कौंसल में भाजपा के लोग भी हैं, DDC चेयरमैन भी हैं और काउंसलर भी हैं, और पंचायती राज में बहुत सारे लोग BJP के सरपंचेस भी हैं और पंचेस भी हैं, उनके गांव देहात के अंदर भी वही माहौल है, वो भी इन चीज़ों से झूझ रहे हैं, उनके भी काम नहीं हो रहे। हाँ, अलबत्ता महराज की जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, मेरे इलाके की बात है, मैं अपने इलाके को रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ की ग्रीवेंसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का काम करता हूँ और उनसे करवाना चाहता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ उनका काम। अक्सर हम देखते हैं जब भी मीटिंग होती है आपकी, वहाँ आप ही वहाँ बात करते हैं, क्या बाकी लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं या आप जो है आपकी सुनी नहीं जाती? मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, जो वादे हर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स पहले करते हैं, बाद में इम्प्लीमेंट आपको दिखता नहीं है, जो बातें वो पहले करते हैं वो बाद में बोल होते नहीं हैं। फर्क तो ये साफ है, ये तो बिजनेस है इनका। अगर महराज मलिक कर रहा है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा तो फर्ज है, मैंने निभाना है, मेरी सोच यही है, मेरा जन्म है, मेरा वजूद है, मेरा वोट यही है, मेरा काम यही है, तो मुझे तो बोलना है, मुझे तो सरकार की नाकामियों को सामने रखना है, आवाम को याद दिलाना है कि इन लोगों ने कहा था 15 लाख देंगे, इन लोगों ने कहा था करप्शन खत्म होगी, आज BJP के दौर में कितनी करप्शन हो रही है इस बात का अंदाज़ा आपको नहीं होगा। और मुझे लगता है कि सबसे देश के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन का अगर कोई साल गिना जाएगा तो यही साल है, और मुझे लगता है बढ़ती जा रही है। करप्शन एक हब बना हुआ है, करप्शन का अंबार लगा हुआ है, और कोई कार्रवाई नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी इसमें साथ साथ में मिला हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज लिया, लैप्स होता है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। वैसे एडमिनिस्ट्रेटर को जो है इस सर्विस से निकाल देना चाहिए, अगर हमारा बस चलता जो आवाम के काम नहीं करता तो इतना देर, और सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे को 1 महीना काफी है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग सरकार बनाएंगे, मुझे नहीं लगता 1 महीने से ज़्यादा लगेगा, तो हम लोगों को राहत दिखाएंगे कैसे दी जाती है, लेकिन लोगों को उससे पहले सोचना होगा, यहाँ पर सोच को बदलना होगा, बदलाव लाना होगा। दिल्ली के लोगों ने बदलाव लाया, अब जम्मू कश्मीर को एक मौका देना चाहिए, एक नई सोच को, एक नई उम्मीद को, और हमने तो करके दिखाया है, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हम कर रहे हैं, क्या गलत है? ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, यहाँ पे कहाँ लागू करेंगे ये? इन्होंने कहा था हम 65,000 ये जो कैजुअल लेबरर्स हैं इनको परमिट करेंगे, किया इन्होंने, सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, 8 साल से झूझ रहे हैं। BJP कर सकती थी, नहीं कर रही थी ना, इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली, उसमें स्कैम हुआ, क्या किया इन्होंने? JKSSB को ख़त्म कर देना चाहिए था, नई कोई एजेंसी ले लेनी चाहिए थी, या नई एजेंसी को जो है ये चीज़ें करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर रहे हैं, बार बार JKSSB को दे रहे हैं, बार बार स्कैम हो रहे हैं। गवर्नर इंतजामिया हो, BJP की सरकार हो, ये लोगों को काम नहीं करना चाहती है, लोगों को दलदल में डालकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, अब जमीनों को इकट्ठा कर रही है, स्टेट लैंड, अरे तुमने क्या करना है स्टेट लैंड को, मुझे बताओ सरकार क्या करेगी स्टेट लैंड को, क्या करेगी, कौन सा झंडा गाड़ देगी? गरीबों को यहां टेंशन डाल दी, बाड़बंदी करने के लिए तुमको पैसा है, गरीब को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है, आपको नौजवानों के बारे में सोचने की ताकत नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बात करोगे? बस जमीनों को, कहाँ जमीनें हैं, कहाँ एनक्रोचमेंट हुई है, किस गरीब ने मकान बनाया, किस मुसलमान ने बनाया, जो उनके खिलाफ है उसका क्या कारनामा है, उसको थाने के अंदर कैसे पहुँचाया जाएगा, कोर्ट के अंदर कैसे खड़ा किया जाएगा, और ये लोग जो है अलग अलग होकर एक एक आदमी को टारगेट करेंगे और लोगों को खुश करेंगे, और वहाँ इलाके के अंदर लोग खुश होंगे, क्या भाई फलाने आदमी को जो है इन्होंने उठा के अंदर कर दिया, ये चीज़ें करेंगे, इससे देश बढ़ेगा? किसी की बिल्डिंग बनी हुई उस आदमी को लाखों का नुकसान करा रहे हो, उससे देश बढ़ेगा? उससे देश बढ़ेगा, उससे सिर्फ नफरत फैलाई जा सकती है, और ये नफरत की राजनीति तभी तक काम करेगी जब आपके घर में चूल्हा जो है उस चूल्हे पे जो कुछ पकता है, जिस दिन पकना बंद हो जाएगा ना, ये हमें गुलाम बनाने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का नौजवान समझे, मैं हॉस्पिटल में गया था, मैं पिछले 2-3 महीने से हॉस्पिटल के अंदर हूँ, वहाँ पर कोई भी आता है ना, कोई भी आता है मेरे अलावा नहीं, हर आदमी का दर्द यही है कि यार इस आदमी को ये परेशानी खत्म होनी चाहिए, वो ये नहीं जानता ये आदमी कौन है, ये हिंदू है या मुसलमान है, या इसने गलती से गिरा है, या इसने कोई गलत काम किया, नहीं,
वहाँ हर कोई यही चाहता है कि अरे ये आदमी यहाँ से ठीक होकर कैसे जाए, कोई नहीं चाहता है, कोई भी धर्म का आदमी वहाँ ये नहीं चाहता कि ये मर के यहाँ से निकल जाए। अरे ये एहसास इनको सिटीज में दिखना चाहिए, ये एहसास मुझे गाँव के अंदर दिखना चाहिए, और यहाँ बाहर उस जगह से बाहर निकल कर लोगों का जहन ही बदल जाता है, ये साला हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना, ये चीज़ें क्यों होती है। आप कब्रिस्तान में जाओ उस वक्त एहसास होता है मौत का, जिंदगी का पता चल जाता है, हॉस्टल के अंदर डर लगता है, जब उस आंगन से लांगर जाते हो तो नफरतों का अंबार होता है। तो मैं तो चाहता हूँ इस सिस्टम के बारे में सोचना होगा, जो हिंदू देखता है मुझे, जो मुसलमान देखता है, कोई भी कम्युनिटी का देख रहा है, अगर उस आदमी को एहसास हॉस्टल के अंदर ये नहीं होता है तो महराज को बता देना कि यार हमें मुसलमान का दर्द वहाँ हॉस्टल के अंदर नहीं है, हमें हिंदू का दर्द वहाँ हॉस्टल के अंदर नहीं है, हम चाहते हैं कि नहीं ये मर जाने दे, कोई नहीं चाहता है, बस वो दर्द लेकर इंसानियत जिंदा रहेगी और यहाँ सिस्टम बदलेगा और आम आदमी जो झूंझ रहा है उस को जो है बेहतर करने के लिए हमें खुद भी सोचना होगा, बदलाव की ओर जाना होगा। मुख्य सर से पूछना चाहूँगा, कुछ कदावर लीडर जो पहले कांग्रेस में थे फिर आदल साहब के साथ शामिल हुए, अब और कांग्रेस में शामिल हुए, किस नज़रिए से आप देखते हैं ऐसे लीडर्स को? कई लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, सबको खेल समझ के रखा है, तमाशा बना के। देखिए अगर जम्मू कश्मीर की बात आप कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का एक वक्त था 90s का वक्त था जब जम्मू कश्मीर के लोग अलग जम्मू कश्मीर को देखना चाहते थे, ठीक है, उस दौर में सेंटर की बात होती थी, जब अपना कानून जम्मू कश्मीर के अंदर था, जब अपनी सरकार होती थी, अपने हुकूक होते थे, अपना एक सारा सिस्टम निज़ाम होता था, तब सेंटर की बात होती थी, और आज जब हमें सेंटर की ज़रूरत है तो आज हम स्टेट की पार्टी बता रहे हैं, आज हम स्टेट से विकास दिखा रहे हैं, ये इनके बस की बात नहीं है, बस इतना काफ़ी मैं बता चुका हूँ। जो DAP की बात हो या कांग्रेस की बात हो, ये बातें तब करनी थी जब हम लोगों को जरूरत थी, कितने लोगों का कत्लेआम करवाया, और आज तुम्हें याद आता है कि आज यह स्टेट की पार्टी बनाएंगे, ये पढ़े लिखे लोग भी समझ सकते हैं महाराज सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जब सेंटर की ज़रूरत नहीं थी तब सेंटर का ज्ञान दिया, आज जब सेंटर की ज़रूरत है तो आज स्टेट का ज्ञान देंगे, और खुद को बड़ा नेता समझते हैं। जब दिल्ली में मिलने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता था, 5-5 महीने एक चीफ मिनिस्टर को इनसे मिलने को लगता था, आज गली कोचों में आकर सियासत को चमचाएंगे और उम्र का तकाजा नहीं समझेंगे, लोगों को यहाँ खाएंगे तो उसके बाद पैसा नहीं देंगे, और उन लुटेरों को साथ चलाएंगे जिन्होंने गरीब का खून किया है, और शर्म आती है इन लोगों को, फलाना नेता, अरे ऐसे नेताओं को थूकते हैं लोग, और जिन लोगों के लिए आप पार्टी बना रहे हो ना, उन लोगों ने इसका दिमाग खराब कर दिया। आज़ाद साहब एक अच्छे इंसान थे, लेकिन जो उसके साथ खड़े हैं ना, जिन्होंने इसको मजबूर किया इस्तीफा देकर, और आज़ाद साहब कह रहे हैं कि 50 साल का कैरियर मेरी एक गलती है, 50 साल एक भूल है उसकी, अरे 50 साल अगर आपने जिंदगी को आपने भुला उसमें डाल दिया गलती करके, तो आप आवाम से क्या उम्मीद करोगे? और आप नेता हो जिनको 50 साल लगे कांग्रेस को समझने में, आप क्या मुस्तकबिल बनाओगे हमारे? ये गलती मत करो। ये जब 70-72 इंसान चला जाता है तो ऐसे बयानबाजी होती है। कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी, और जिसने उसको बनाया, हाँ मैंने कहा अगर तब उनने पार्टी स्टेट की बनाई होती तब कुछ बात और थी, तब यहाँ का चीफ मिनिस्टर मिजाज था, कुछ भी कर सकता था, कोई भी फैसला ले सकता था, आज जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? आज यहाँ कौंसल बैठी है, रिमोट कंट्रोल यूपी से चलाया जा रहा है, रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलाया जा रहा है, हमें गांव के अंदर बताया जा रहा है, कमिश्नर सेक्रेटरी बताती है आपने गांव के अंदर क्या काम करना है, जिस गांव के आदमी से पूछना चाहिए था आपके गांव के अंदर क्या जरूरत है, उस गांव की बात जो है कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू में बैठकर बोल रही है कि आपको फलाने गांव के अंदर पांड बनाना चाहिए। यहाँ अब यह हालात नहीं है, और ये लोग आएंगे आप बोलेंगे आप किस उम्र में करेंगे 50 साल की गलती और उसकी माफी आज इलेक्शन और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, और ये लोग कह रहे हैं बीजेपी को रोकने का काम एक ही पार्टी कर सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। इस वक्त दिल्ली के अंदर देखो कांग्रेस बात कर रही है भारत जोड़ो की, बीजेपी का जो एजेंडा है वो लोगों के सामने आया है, लेकिन इस वक्त अगर बीजेपी को रोकने की जरूरत किसी के अंदर है वो आम आदमी पार्टी के अंदर। हमारे साथ क्या इन्होंने नहीं किया, जेल की सलाखों के पीछे मंत्री को डाला, कितनी सारी एफआईआर इन्होंने लगाई, क्या दिखाना चाहते हैं, और कह रहे हैं कि बीजेपी की टीम है, कौन है बीजेपी? हम इन दोनों को रोककर इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम लोगों को जरूरियात की चीजें यहां पर देना चाहते हैं, और आजाद साहब कहेंगे आप हमें और टाइम दो। जिस वक्त वो मंत्री थे उस दिन हमारे यहाँ एक डॉक्टर जो है हमारे यहाँ गायनी का काम करता था, शर्म आनी चाहिए आजाद साहब को, आज बात कर रहे हैं उसने हॉस्टल दिए आज भी वहां पर इलाज नहीं होता है, डोडा के अंदर हॉस्टल दिए आज भी वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, मैं कहता हूँ आज नहीं है, ये बीजेपी की कमजोरी है, लेकिन तब भी नहीं थे,
जब ये हेल्थ मिनिस्टर था तब भी मेरे गांव के अंदर इलाज नहीं होता था, आज भी नहीं होता है। क्या किया, क्या किया इन्होंने, क्या किया मुझे बताइए ना। करप्शन इनके दौर में थी, हमने सवाल किया था, अगर आज भी याद होगा आजाद साहब को बता देना, उस तक पहुंचा देना। जब वो झक्यास के अंदर आए थे, लैंड किया था, मैंने चीख चीख कर मैंने इनके सामने आंसू गिराए थे। अगर आजाद साहब को याद नहीं होगा, ये क्लिप इतना सा भेज दो, जो उसका चहिता है, जो उसका दलाल है, पहुंचा दो। अगर आजाद ये बोलेगा कि महाराज झूठ बोल रहा है, 2008-09 की बात है, जब मैंने आंसू गिराए थे गुलाम नबी आजाद के सामने, और मैंने बताया था कि करप्शन आपके दौर में हो रही है, और उसने उस पर कोई, मैं इतना भावला नहीं था कि उसके खिलाफ बोलता, लेकिन जब उसने मेरी बात को छोड़ दिया, उसने मेरी बात पे सुनवाई नहीं की, उसके दलाल वही तब भी थे, कहा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। अरे हम झूठे नहीं थे, हम तब भी वही आवाज बन के आए थे, और तब भी आवाम का मसला था। हम खाते पीते घर आने के हैं, अपना रिजल्ट चल जाता है, लेकिन तब भी आवाम का मसला लेकर इनके सामने गए थे और इन्होंने हमें इग्नोर किया, और आज वही लड़का इनको आज इनके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, तुम्हारे वो भंजा साला, अगर तुम्हारी गलती है, महाराज ने अपनी जिंदगी में गलती नहीं की है, मैंने 2008 से जब से पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, तब से कोसता नहीं हूँ अपने वक्त को, इसने भुंजा साल लगा लिया और खुद को कोस रहा है। महाराज मलिक अपने इस पॉलिटिकल करियर में जितने भी साल लगाए हैं, मैं अपने उस वक्त को कभी नहीं कोसता हूँ। मुझे फखर होता है कि मैंने इतने साल काम किया, बेबाकी से किया, ईमानदारी से किया, और एक अच्छी सोच के साथ चलाऊं, एक अच्छी पार्टी के साथ जुड़ा हूं। अरविंद केजरीवाल जैसा शख्स इस दुनिया के अंदर नहीं है, उससे सीखता इस वक्त अमेरिका है, इससे कौन सीख रहा है। इन लोगों ने क्या किया, सड़कें बनाई, वहां ठेकेदार इन लोगों को बनाया, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, ये ठेकेदार बने। एक मंत्री की तनख्वाह 2010 में 10,000 थी, उनके घरों को देख लीजिए, 10,000 की तनख्वाह में करोड़ों का पैसा कहां से बनाया इन लोगों ने। और ये बात करेंगे कि महाराज झूठ बोल रहा है, तुमने गरीब के खून पसीने की कमाई अपने घरों में लगाई। ये चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भुंजा साल की भूल अब इस बुढ़ापे में नहीं मानेंगे। भुंजा साल जिस शख्स को लगते हैं कांग्रेस को समझने में, महाराज समझदार है, मैं बागी था इन लोगों से। 2008 से मैं पॉलिटिक्स के अंदर हूं, और 2014-13-14 में मैंने अरविंद केजरीवाल को देखा था, मैंने उसकी सिर्फ आवाज को सुना था, मैंने उसकी उन बोल को पढ़ा था, मैंने उसकी सोच को जाना था, और यहां से दिल्ली पहुंचा था। क्या मेरे पास यहां एनसी नहीं थी, मेरे पास यहां कांग्रेस नहीं थी, एक टोपी पहनकर यहाँ चलने वाला जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो आवाज यहाँ पर पैदा करने वाला, उस सोच के साथ चलने वाला। अरे मैंने गलती नहीं की है, मैं लोगों को बेहतर जिंदगी देते हुए देखना चाहता हूँ, बिजली का निजाम बेहतर चाहता हूँ, अस्पतालों का अंदर इलाज देखना चाहता हूँ, बेहतर स्कूल देखना चाहता हूँ, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ। ये भूल मेरी नहीं है, अगर महाराज भूल नहीं किया है तो गुलाम नबी आजाद भुंजा साल के बाद ये बताएगा कि मेरी भूल थी कांग्रेस को समझने में, और लोग उसके साथ चलेंगे जिसको भुंजा साल लगे कांग्रेस को समझने में। अरे इससे बड़ा क्या बताऊं, अब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आजाद साहब को हम सम्मान देते हैं, अब उम्र का तकाजा है, और जो आपके सलाहकार हैं वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि आजाद साहब को कहां होना चाहिए, तो आजाद साहब आपको कांग्रेस में बैठकर इज्जत, जहां आपको चीफ मिनिस्टर मिलने के लिए आता था तो 5 महीने आप उसको टाइम देते थे, 5 महीने के बाद आना, फलाने डेट को तो मैं आपसे मिलूंगा। आज आप गलियों में जाकर आपके साथ वो लोग हैं जिनको लोग पीछे से थूकते हैं, आपकी इज्जत वो नहीं है भाई साहब। और अगर आपने सियासत अपने घर से शुरू की थी, आज अगर आप वहीं से फिर शुरू कर रहे हो, तो ये आपकी भूल बहुत बड़ी है, ये गलती है, आपको इस्तीफा देना चाहिए था पॉलिटिक्स से, आपकी इज्जत होती, आपका सम्मान होता। अगर आपने मुझसे सलाह ली हो, तो मैं छोटा नहीं हूँ, इस दुनिया में हमने भी नहीं रहना है, लेकिन जो नई नस्लें आएंगी उनके कामों पर जिम्मेदारियाँ होंगी, वो किसी गरीब का बच्चा भी हो सकता है। मुझे लोग समझते हैं ना, अभी मेरा छोटा है, मैं छोटा नहीं हूँ भाई साहब, इतना छोटा नहीं, अपने वक्त को सोचता नहीं हूँ, अपने वक्त बीते हुए वक्त को खुशकिस्मत समझता हूँ, खुशकिस्मत नौजवान समझता हूँ मैं वो वक्त जो है। सवाल पूछना चाहूँगा, अगर ये उम्मीद लगाई जाए कि जम्मू कश्मीर में किस्म बने इंतखाबात होंगे, तो क्या कारकर्दगी रहेगी आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की कोई कारकर्दगी, आम आदमी की सोच पर डिपेंड करता है कि आम आदमी चाहता क्या है अपने वोट से, अपने वोट की ताकत से वो खुद के लिए क्या चाहता है। अगर वो बिजली का निज़ाम बेहतर चाहता है, अगर पानी का निज़ाम बेहतर चाहता है, अगर करप्शन को ख़त्म होते हुए देखना चाहता है, अपने इलाके के अंदर डेवलप को होते हुए देखना चाहता है, बेरोज़गारी को ख़त्म होते हुए देखना चाहता है,
तो वोट अगर करेगा तो झाड़ू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर धर्म की राजनीति होगी, कश्मीर की बात होगी, जम्मू की बात होगी, हिंदू की बात होगी, मुसलमान की बात होगी, तो फिर आम आदमी पार्टी का वजूद उतना नहीं है। अगर इन हालात से खुद को बाहर निकालना है तो आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है, उस दिल्ली के अंदर उन लोगों ने जो है आम आदमी पार्टी को जो है पहले असेंबली के चुनाव में जीत कर चीफ मिनिस्टर बनाया, उसके बाद जो है म्यूनसिपल्टी में 15 साल के बाद वहाँ से फारिग कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली के लोग ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ मोदी जी रोज भाषण देते हैं, जहाँ मोदी जी का पूरा सिस्टम मंत्रालय वहाँ पर बैठता है, उस दिल्ली में अगर उन दिल्ली के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो यकीनन जो है जमीनी सतह पर बदलाव बहुत जरूरी है। तो यही उम्मीद लगा करें, हमारा काम है लोग अपनी जिंदगी में जितनी भी है ना, हम लोगों को बेहतर बात बताएं, रास्ता दिखाना हमारा काम है, एक बेहतर कल देने की ख्वाहिश हम करते हैं। फिर अगर ये बात अगर हमारे हाथ में होता तो हम अकेले इस काम को कर लेते, लेकिन यहाँ लोगों की जरूरत है तो लोगों के लिए समझना। थैंक यू।